आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा नया सिम कार्ड खरीदने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम मोदी ने 6G को लेकर कर दिया है बड़ा ऐलान, जल्द मिलेगी अभी सुविधा। इसके अलावा SBI और पंजाब नेशनल बैंक में खाता रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा भारत सरकार का बड़ा फैसला, देखिए डॉक्टर पर हिंसा हुई तो 6 घंटों के अंदर दर्ज करानी होगी FIR, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए सिम कार्ड का नया नियम, अब ज्यादा सिम रखने वालों पर सरकार सख्त, इन लोगों पर कसेगी नकेल। सरकार जो है सिम कार्ड के नए नियमों के तहत अब प्राइवेट कंपनियां एक बार में 100 से अधिक सिम कार्ड नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए अगली बार फिर से अप्लाई करना होगा। सिम कार्ड जारी करने से पहले जो इसका वेरिफिकेशन जो है वेरिफिकेशन वो यहां पर जरूरी होगा। इसे जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। दरअसल सिम कार्ड के नियमों में समय समय पर बदलाव देश में होते रहते हैं। कुछ समय पहले सिम कार्ड को लेकर नया नियम आया था, आज हम आपको ऐसे ही नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी को भी हैरान कर सकता है। दरअसल यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा असर जो है यूजर्स पर पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के मतलब इसको रोकने के लिए गए सिम कार्ड संबंधित नए नियम लागू किए गए हैं। दरअसल टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए कहा है कि प्राइवेट कंपनियां 100 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकती है, एक समय में ज्यादा से ज्यादा 100 सिम कार्ड ही खरीद पाएगी। वे ऑनलाइन स्कैम और सिम कार्ड की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया। अगर किसी भी कंपनी को ज्यादा सिम कार्ड चाहिए तो उन्हें रिक्वेस्ट करनी होगी, या रिक्वेस्ट MD द्वारा जो है की जा सकती है। पूरा मामला क्या है तो बता दें आपको कि अगर किसी कंपनी को बल्क में अगर सिम कार्ड चाहिए तो उन्हें 100 सिम कार्ड के बैच में ही जो है अप्लाई करना होगा। इसके बाद ज़्यादा सिम हासिल करने के लिए उन्हें दोबारा जो है अप्लाई करना होगा। सिम कार्ड जारी करने से पहले जो है पूरी जानकारी हासिल की जाएगी, इसमें MD के साथ यूजर्स का ई वेरिफिकेशन भी होगा। फिर फोटोग्राफ के साथ पूरी जाँच करने के बाद ही सिम कार्ड जो है इश्यू किए जाएंगे। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए देश में 6G टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ी खबर देखिए। भारत में 6G को लेकर पीएम मोदी ने कर दिया है बड़ा ऐलान, जल्द मिलेगी सुविधा। देश में जो है 15 अगस्त के दिन जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1 घंटे 41 मिनट का यहाँ पर भाषण दिया। इसमें पीएम मोदी ने 6G को लेकर बड़ी बात कही, जिसे अब लोगों को जल्दी जो है नई सुविधा मिल सकती है। दरअसल पीएम मोदी ने 5G के बारे में बात करते हुए 6G पर बड़ा अपडेट दिया। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत काफी तेजी से टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम कर रहा है, वह देश में जल्दी जो है 6G की भी एंट्री जो है होने वारी है, देश के अंदर जल्दी 6G एंट्री मार सकता है। दरअसल 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विश्व की 30वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ही ग्लोबल स्तर पर देश के लोगों को सबसे सस्ता डेटा और इंटरनेट प्लान सेवाएं प्रदान जो है वो यहाँ पर कर रहा है। वह 6G की बात करते हैं, पीएम मोदी ने कहा कि देश में 5G को पहले ही जो रोल आउट किया जा चुका है, अब 6G को और तेजी से 6G को लेकर काम किया जा रहा है। तमाम मतलब 6G को लेकर तेजी से काम कर रहे हैं और इसका काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वह अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं देने के लिए 6G को काफी तेजी से 6G के ऊपर काम किया जा रहा है। इसके लिए हमने 6G टास्क फोर्स का जो है गठन कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेज 5G को रोल आउट करने वाला देश बन चुका है। ऐसे में देश के अंदर जो है 6G टेक्नोलॉजी के बाद देश में कई कामों में और भी जो है वो तेजी यहाँ पर आएगी। वही 6G के अलावा पीएम मोदी ने भारत में सेमी कंडक्टर पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत करीब 113 शैक्षणिक संस्थानों में सेमी कंडक्टर चिप डिजाइन करने को लेकर BTech, MTech और PhD स्तर के करीब 85,000 लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि देश के लोगों में सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में काफी रुचि है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक सरकार ने SBI और PNB में लेन देन पर लगाई रोक, सभी विभागों से कहा खाते बंद कराए, सरकारी पैसों के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। कर्नाटक सरकार ने जो है देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक से लेन देन पर रोक लगा दी है। वह राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश इसके बारे में जारी किया है। वे दोनों बैंकों से काम खत्म नहीं करने की बात कही, बैंकों पर अपने जितने भी ऐप अकाउंट है तुरंत बंद करने की बात कही है। सरकार का आरोप है कि SBI और PNB ने सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया है। दरअसल SBI और PNB इस बारे में कोई भी चेतावनी यहाँ पर मतलब उन्होंने कहा कि इस बारे में PNB SBI कई बार चेतावनी दी गई थी, बैंकों ने कोई कार्रवाई जो है नहीं की। इसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है, दोनों बैंकों ने इस बारे में कोई रिएक्शन नहीं दिया है।
विभाग के सचिव जो है जाफर, उन्होंने यहाँ पर इस बारे में आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक कोई भी सरकारी विभाग एस बी आई या पी एन बी में पैसा जमा नहीं कराएगा। इन बैंकों में रखी एफ डी पर 9 सितंबर तक जो है इसको बंद करा दिया जाएगा। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है। तो ये कर्नाटक से कुछ बड़ी खबरें जो है पी एन बी और पंजाब नेशनल बैंक, और इसके अलावा जो है यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक और एस बी आई के खातों को लेकर जो है जानकारी सामने आ रही है। कर्नाटक सरकार ने ये फैसला जो है वो लिया है। दरअसल कर्नाटक के विभिन्न बोर्ड, निगम और सरकारी दर का दुरुपयोग आरोप एस बी आई पी एन बी पर लगा है। सरकार के अनुसार कर्नाटक उद्योग क्षेत्र विकास बोर्ड ने नवंबर 2012 में पी एन बी के राजाजी नगर शाखा पर 25 करोड़ रुपए जमा किए थे। जमा अवधि की परिपक्वता के बाद बैंक ने केवल 13 करोड़ ही वापस सफर किए, जबकि 12 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया। इस तरह 2013 में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में जो है 10 करोड़ रुपए जमा किए थे। आरोप है कि बैंक सारी रकम को एक ही दिन में संग्रहित कर दिया, जमा राशि वापस देने से यहाँ पर मना कर दिया। दोनों ही मामले अदालत में जो है नीलामी थे। तो इसको लेकर जो है कर्नाटक सरकार और पंजाब नेशनल बैंक और इसके अलावा एस बी आई की जो है कुछ ये रिचा किसी जो है वो चल रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, डॉक्टरों को लेकर ये बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टरों से हिंसा हुई तो 6 घंटों के अंदर ही होगी एफआईआर। कोलकाता में आईजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर के मामले के बाद देश भर में अस्पतालों में डॉक्टर्स की तरफ से अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई जा रही है। साथ ही इस मामले की पीड़िता को जल्द से न्याय दिलाने की भी गुहार लगाई जा रही है। दरअसल अस्पतालों में जो है ऑन ड्यूटी डॉक्टरों हेल्थ वर्कर स्टाफ पर हमले और हिंसा की प्रतिबद्धता का केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय जो है DGHS उसने गंभीर संज्ञान लिया है। और ये सर इस बारे में जो है एक ऑपस मेमोरेंडम भी स्पष्ट यहाँ पर किया है। हालांकि डॉक्टर्स और अन्य हेल्थ केयर स्टाफ जो सरकारी अस्पतालों में कार्यरत हैं उन पर ड्यूटी के दौरान हिंसा करने की घटनाएं लगातार सामने आई है। वह हेल्थ वर्कर्स को ड्यूटी के दौरान फिजिकल हिंसा का भी शिकार होना पड़ा है। वह कई मामलों में कई ऐसे मामले जो है सामने आए हैं, इनके उनको जो है धमकिया और मौखिक तौर पर धमकाने का काम भी किया गया है। वही कई घटनाएं इसकी आई है। इसको देखते हुए जो है यहाँ पर सरकार ने इस मामले को देखते हुए निर्देश दिया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स पर ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की हिंसा होती है तो उसके खिलाफ जो है इंस्टीट्यूशन के प्रमुख की जिम्मेदारी बनती है कि वे घटना के 6 घंटे के भीतर ही यहाँ पर FIR दर्ज करवाए। वे केंद्र स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की ओर से जारी आदेश के प्रति सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पतालों और इसके अलावा इंस्टीट्यूट के निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक के अलावा दिल्ली में एम्स के निदेशक और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को उसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ये यहाँ पर कुछ देश में कुछ बड़ी खबरें जो है वो निकल के सामने आ रही है। डॉक्टर पर हिंसा को लेकर भी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है कि अब किसी भी डॉक्टर या फिर हेल्थ वर्कर्स पर हिंसा हुई तो 6 घंटे में एक्शन लेने की बात यहाँ पर कही गई है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब सब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दें यानी बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि खबरें जो आपको रोजाना इसी तरह की मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।